जिला मंडी में कांग्रेस वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री जीएस पाली ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि 2022 में कांग्रेस पार्टी ही सत्ता हासिल करेगी। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नगर निगम चुनाव प्रभारी जीएस पाली ने नगर निगम के चयनित उम्मीदवारों से बातचीत की और चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की। इस मौके पर कांग्रेस के अन्य गणमान्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और ये तकरीबन 3.5 घंटे मीटिंग चली, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट थे वो अलग अलग भी हमारे से मिले, उनके सिंपेथाइजर भी मिले और बहुत उत्साहित मुझे सारे लगे कि बहुत ज़्यादा उत्साह है उनमें। जिस तरीके से पीछे मंडी कांग्रेस की मीटिंग हुई और बीजेपी को उसको काउंटर करने के लिए अब मीटिंग करना पड़ रही है मुख्यमंत्री जी की, उससे लगता है कि बीजेपी बैक फुट पे चली गई है। कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी तैयारी में लगी है। हमने जैसे आपसे वादा किया था उस दिन कि हम लोग सेकंड मीटिंग 25 को करेंगे, हमने डिटेल्ड इंटरव्यू भी लिए हैं कैंडिडेट के, उनसे बातचीत भी की है, पर अभी हम इसको एक चरण और में डिस्कस करेंगे और उस चरण में हम जो वार्ड है वहाँ से हम आम आदमियों का ऑब्जर्वर के थ्रू वहाँ हम वो उनका फीडबैक लेंगे। जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारा प्रयास यही है कि दो ही क्राइटेरिया है मेन, एक पार्टी के प्रति लॉयल्टी, दूसरा बेनेबिलिटी। दोनों क्राइटेरियो को बैलेंस बनाते हुए हम लोग कैंडिडेट देंगे और हम कमेटी के लिए जो कॉरपोरेशन है हमारी उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो एक छोटा मैनिफेस्टो भी निकालेंगे कि हमारी जो कॉरपोरेशन बनेगी वो कैसा काम करेगी। हमारा जो जिले का नेतृत्व है, स्टेट का नेतृत्व है, सब पूरी ताकत झोंकेंगे इस इलेक्शन को जीतने के लिए। लोगों के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे कि आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, 90 रुपये लीटर डीजल हो गया है, दालों के ऊपर 25-25% टैक्स लग गया है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, 14.5 लाख बेरोजगार हो गए हैं, सरकारी बस सेवा बंद टाइप हो गई है कि टोटली HRTC को बंद कर दिया, लोगों के बच्चे घर से स्कूल नहीं जा पा रहे जो फ्री सुविधा सरकार ने हमारी कांग्रेस पार्टी ने दे रखी थी, जो अनएम्प्लॉयड को माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में उस वक्त हमने अनएम्प्लॉयड बेरोजगारी भत्ता 150 करोड़ रुपया बजट में रखा था, उसको इस सरकार ने गायब कर दिया है। एक भी काम जो है वो ये सरकार बता नहीं सकती, दिखा नहीं सकती। हमने कहा श्वेत पत्र दो कि आपने 3.25 साल में क्या किया, ये मत बताओ हम आगे क्या करेंगे, आगे क्या करोगे आपको मौका ही नहीं मिलेगा, 1 साल के बाद तो कांग्रेस की सरकार आने वाली है, तो इसलिए आपने अभी तक क्या किया वो बताओ।